एवरीवन, वेलकम बैक टू सिस क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6 इन बायोलॉजी, विच इज़ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट ब्लड वेसल्स। सो इससे पहले के टॉपिक में को हम लोग क्लियर कर चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो देखिए, ब्लड वेसल्स जो होती है वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है एक ट्यूब जैसा होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल्स का, है ना। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक थिक वॉल होती है ना, ये वाली जो होती है ना, ये वाली, ये थिक वॉल होती है। यहाँ पर ल्यूमन होता है और आर्टरीज होती हैं। तो इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी ब्लड वेसल्स का। और इसमें क्या होता है कि ये 3 काइंड्स की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं हम लोग में। मेनली ह्यूमन में क्या होता है कि 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, जिसे आर्टरी भी बोलते हैं। दूसरी है वेंस, ठीक है। थर्ड है कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थ्रू ए सिस्टम ऑफ ट्यूब, वो एक सिस्टम अलाउ करती हैं, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में से, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी। यहाँ पर जो है 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें आपको नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये आता है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट है आर्टरीज, सेकेंड है वेंस, एंड थर्ड है कैपिलरीज। अब क्या होता है, आर्टरीज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। आर्टरीज जो होती है एक डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती है। इसको आप लोग को लर्न करना है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है। मतलब इसमें क्या होता है, जो कोई भी चीज़ होगी तो उसका बंटवारा होता है, तो वैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वहाँ पर। तो जैसे क्या कैरी किया जा रहा है, जैसे द कैरी ब्लड वे फ्रॉम अवे हार्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है, ये हार्ट में से, मतलब जो ब्लड को लेकर आती है और हार्ट के हर पार्ट से और पूरी बॉडी में क्या करती है, पहुँचाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। दे हैव थिक एंड मस्कुलर वॉल। इसकी जो वॉल होती है काफ़ी थिक, मतलब मोटी होती है, और मस्कुलर वॉल होती है, मतलब उसमें मसल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। आर्टरीज जो होती है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जिसमें ऑक्सीजन कंटेन हो, ऐसे ब्लड को कौन देता है, आर्टरीज। बट पल्मोनरी आर्टरीज, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को लेती है। इम्प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, डीऑक्सीजनेटेड की नहीं। तो पल्मोनरी ब्लड की जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, कैरी करती है इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज। एंड इन आर्टरीज ब्लड फ्लो विथ जर्क ड्यू टू द ग्रेट फोर्स ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। और ये जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, हार्ट के पंपिंग से पूरी बहुत फोर्स से क्या करती है, ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरीज होती है उसका नाम है ओरोटा। इसको हम लोग ओरोटा भी बोलते हैं एंड अरोटा भी बोलते हैं। ऑन इंटरनिंग एंड ईच आर्टरी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर वेसल्स आर्टरियोल्स विच फर्दर डिवाइड इंटू कैपिलरीज। हम जब हमारे शरीर में इंटर करती है, ऑर्गन में इंटर करती है आर्टरीज, तो ये डिवाइड हो जाती है स्मॉल वेसल्स में, छोटी छोटी वेसल्स में, जिसको हम लोग आर्टरियोल्स बोलते हैं, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड होती है कैपिलरीज में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है वो, इसका फंक्शन हमको याद कर लेना है क्या है, कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो पल्मोनरीज आर्टरीज होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। जो इम्प्योर ब्लड को क्या करेगी, वो शरीर से बाहर निकालेगी, और हमारे शरीर को क्योंकि ज़रूरत किसकी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है हमारी आर्टरीज़। और उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स काम करती हैं, जैसे आर्टरियोल्स होता है, एंड फिर ये जो है फर्दर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में। तो देखिए, ये एक थिक वॉल होती है, यहाँ पर एक थिक वॉल मतलब थोड़ी मोटी वॉल है, ये नैरो होता है, मतलब अंदर से कैसा होता है, बहुत संकरा होता है, आर्टरीज होती है। यहाँ पर देखिए, ये वाली जो होती है, इन दोनों के बीच वाली, वो थिन वॉल होती है, एंड वाइड ल्यूमन, थोड़ा चौड़ा ल्यूमन होता है, ल्यूमन का जो आकार होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है। ये वन सेल थिक वॉल है, यहाँ पर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जिसे कैपिलरीज दिखाई। ये है हमारी आर्टरीज, ये है वेन एंड कैपिलरीज।
ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती हैं, तो इन तीनों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इस डायग्राम के थ्रू। पहली है हमारी आर्टरीज। आर्टरीज में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, नैरो ल्यूमन आर्टरीज है, लेकिन यहाँ वीन्स में क्या है, थिन वॉल है, पतली वॉल है, लेकिन ल्यूमन क्या है, थोड़ा चौड़ा है। और हमारी कैपिलरीज जो होती हैं वो वन सेल थिक वॉल होती हैं, है ना। वीन्स, अब हम पढ़ते हैं वीन्स के बारे में। तो वीन्स जो होती हैं वो कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं, मतलब वेसल्स को कलेक्ट करती हैं। दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गेन टू द हार्ट, ये क्या करती हैं, ब्लड को लाती हैं ऑर्गेन से फिर हार्ट में। दे हैव थिन वॉल, ये पतली वॉल होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है पतली वॉल होती हैं। द वॉल प्रेजेंट इनसाइड द वीन, इसकी एक और खासियत है कि जो वीन्स होती हैं उनमें वॉल प्रेजेंट होती हैं, इसे कहते हैं वॉल्व। तो यहाँ पर ये जो वॉल्व दिख रही हैं वो क्या करेंगी, एक सेंटर से ब्लड को ले जाने का काम करेंगी। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो जो वॉल प्रेजेंट होती हैं, द वॉल प्रेजेंट इनसाइड द वीन मेक द ब्लड फ्लो वनली टूवर्ड द हार्ट, ये जो वॉल्व है इनका काम क्या है, ये देखिए ये जो वॉल्व हैं उसका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो ब्लड फ्लो होगा वो कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में जाएगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इन विस इज़ नॉट जर्की एंड ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड एंड सो इज डार्कर इन कलर। तो देखिए जो भी वाल्व हैं, वॉल्व से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा ना, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका कलर जो होता है वो डार्क होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए उसका कलर क्या होता है, डार्क होता है। तो ये वॉल्व क्या करती है, एक सीधे रास्ते से उसको हमारे शरीर से बाहर निकलने में हेल्प करती है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाद में जाकर ख़त्म हो जाता है, है ना। तो जितनी भी वीन्स हैं, वीन्स जितनी भी होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगी, लेकिन पर्मोनरी वीन्स जो होती है वो कभी कभार क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर सकती है। वीन्स बिगेन एज कैपिलरीज, वीन्स की शुरुआत कहाँ पर होती है, कैपिलरीज में होती है। दे ज्वाइंट रीजन फॉर लार्जर वीन, जो एक दूसरे से लार्जर वीन्स के जरिए जुड़ी हुई होती हैं। वेना कावा जो होती है वो सबसे बड़ी वीन्स होती है हमारी बॉडी की, तो ये आप लोग को लर्न कर लेना है। अगेन हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरीज भी जो है वो थर्ड ब्लड वेसल्स है। कैपिलरीज फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, बहुत पतली होती हैं ये। दे आर टर्मिनल, ये टर्मिनल मतलब ब्रांचेस होती हैं इसमें बहुत सारी, इस तरीके से ये देखिए आपको दिख रहा है इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं, ये इधर है फिर इधर है फिर इधर है इधर है, है ना। तो ये टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं इसमें आर्टरी की अपेक्षा, विच रीजन टू फॉर्म वीन, यहाँ पर आर्टरीज और वीन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कैपिलरीज कर रही हैं। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो थिन वॉल होती हैं, पतली वॉल होती हैं, एंड वनली वन सेल थिक, इसमें सिर्फ एक सेल थिक होती है, बाकी सारी क्या होती हैं, थिन होती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आर्ट्रियोल है और यहाँ पे वेन्यूल है, आर्ट्रियोल से आर्ट्रियोल में जाएगा ब्लड और यहाँ से वेन में जाएगा। तो वेन में जो ब्लड जा रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आर्टरीज में जा रहा है, आर्टरीज में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जो हमारी वीन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, है ना। ये आपको याद कर लेना है। यूनिक रोल क्या है कैपिलरीज का, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो हमारे ब्लड फ्लो में कौन कौन से फंक्शन करती हैं, एट द आर्टरियोल इन फूड एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम ब्लड टू द सेल। तो आर्टरियोल में, ये आर्टरियोल जो होता है क्या होता है, यहाँ पर एंड में लास्ट में क्या होता है कि फूड होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो पास आउट होता है हमारे ब्लड से पूरी सेल्स में। तो एट द वीन एंड कैपिलरीज कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। वीन के एंड में क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं वो कलेक्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वेस्ट फ्रॉम वेस्ट को सेल से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, बाहर निकालने में हेल्पफुल होती हैं। तो आर्टरीज का अपना एक फंक्शन है कि वो प्योर ऑक्सीजन को और ब्लड को और ब्लड को के ज़रिए पूरे फूड को पूरे सेल्स में पहुंचाती हैं, जबकि वीन का क्या काम है कि इनके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, तो ये हमारे शरीर को बाहर निकालेंगी उसे, ना उसे ख़त्म करेंगी, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। तो फिर है हमारा आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, इन तीनों के डिफरेंसेस क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं कि इन सब में क्या फंक्शन होता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज जो होती हैं उसमें पहला पॉइंट है कि सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन, ये हमारी स्किन के बहुत अंदर तक सिचुएटेड होती हैं, फैली हुई होती हैं। वीन जो होती हैं वो सिचुएटेड होती है जस्ट अंडर द स्किन, जस्ट मतलब हमारी स्किन के तुरंत बाद वो फैली हुई होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो सिचुएटेड होती है वेरी डीप विद द ऑर्गन्स, ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर तक फैली हुई होती हैं।
आर्टरीज का दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि थिक वॉल्ड होती हैं विदाउट नैरो ल्यूमन कैविटी। यहाँ पर जो ल्यूमन कैविटी होती है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है ना। ल्यूमन कैविटी ज़्यादा गहरी नहीं होती है, लेकिन इनकी जो वॉल होती है बाहर की वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। विंस में क्या होता है, वॉल थिन होती है लेकिन ल्यूमन जो होता है वो चौड़ा होता है। वाइट जो इनकी वॉल होती है, इनके जो सेल्स की, वो क्या होती है, वो थोड़ी पतली होती है, लेकिन इनका जो ल्यूमन होता है वो हिस्सा का क्या होता है, चौड़ा होता है। कैपिलरीज में थिन वॉल्ड होती हैं एंड नैरो ल्यूमन होता है। क्या होगा, थिन वॉल्ड होगी एंड नैरो ल्यूमन होगा। फिर है हमारा आर्टरीज में तीसरा पॉइंट, डज नॉट हैव वॉल्व। आर्टरीज में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। वेंस में हैज़ वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेंस में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वेंस से जो भी ब्लड जाता है वो डी ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दोबारा बैक फ्लो होकर, मतलब फिर शरीर में वापस ना आए, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, ताकि वो सीधे एक बार अंदर बाहर से जाए तो फिर इंटर ना कर पाए हार्ट में, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, ये याद रखिएगा। कैपिलरीज डज नॉट हैव वॉल्व। कैपिलरीज में कोई वॉल्व नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, है ना। फिर है फोर्थ पॉइंट है आर्टरीज का, थ्रू आर्टरीज ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज के ज़रिए ब्लड जो है वो फ्लो करता है हमारे हार्ट में, और हार्ट से पूरे शरीर के पार्ट में पहुँचता है। वेंस के थ्रू ब्लड फ्लो करता है बॉडी के ऑर्गन से हार्ट, मतलब हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स में। कैपिलरीज ज्वाइन आर्टरी विद वेन एंड फ्रॉम नेटवर्क इन द बॉडी ऑर्गन। कैपिलरीज के जरिए जो होती हैं आर्टरीज एंड वेन एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, एक नेटवर्क बनाती हैं। यहाँ पर दिखाया ना कि आर्टरीज और वेन एक दूसरे से ज्वाइंट किस जरिए हैं, कैपिलरीज के नेटवर्क के जरिए हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट में पहुँचाती हैं ये। फिर है आर्टरीज का पाँचवा पॉइंट, सप्लाइज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। ये हमारे हार्ट से लेके पूरी बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई करती है ब्लड को, जिसमें मिनरल्स होते हैं, जिसमें फूड होते हैं, और जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। विंस कलेक्ट करती हैं ब्लड को बॉडी ऑर्गन से एंड ब्रिंग इट टू बैक टू हार्ट, और फिर हार्ट से मतलब हार्ट में लाती हैं, कलेक्ट करती हैं ब्लड को। विंस क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गन से फिर हार्ट में लाएंगी। कैपिलरीज क्या करती है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ फूड, हेल्प करेगी एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ फूड, जो हमारी फूड एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है, पूरे ब्लड में टिश्यूज़ में करती हैं। क्योंकि भाई क्या हो रहा है, विंस में क्या हो रहा है कि इनप्योर मतलब ब्लड जा रहा है, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो उसमें सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड हम लोग में ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फिर से हमारे हार्ट में पहुँचेगा, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको हम फिर से रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर है हमारा छठवां पॉइंट, आर्टरीज में कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के। वेन, क्योंकि मैंने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो क्या करेगी, वो इम्प्योर ब्लड को यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेंस क्या करती हैं, कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस। यस, फिर है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है, कैरीज बोथ टाइप ऑफ ब्लड। कैपिलरीज जो होती है वो दोनों टाइप के ब्लड को ले रही है, वो प्योर ब्लड को भी ले रही है, वो इम्प्योर ब्लड को भी ले रही है। फिर वो ब्लड जो होता है फिर से प्योर, इम्प्योर ब्लड फिर से प्योर होता है। कैसे प्योर होता है, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो फिर से वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो हम श्वसन कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन रिच जा रही है ना, और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन लेस जा रही, मतलब तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से फंक्शन होता है हमारे शरीर में कि प्योर से इम्प्योर, फिर इम्प्योर से प्योर, इस तरीके से ब्लड फॉर्मेशन होगा, और मतलब ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में ये जो मिनरल्स एंड फूड हैं और ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में पहुँचती है। तो इफ़ द ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर प्लेस्ड इन टू एंड, देयर टोटल लेंथ वुड बी मोर देन किलोमीटर, दे कुड बी अबाउट 2.5 सर्कल अराउंड द अर्थ। मतलब अगर हम लोग की ब्लड वेसल्स जो होंगी ह्यूमन बॉडी में इन टू इंड, मतलब पूरे शरीर में पहुंचती रहती है ना, उनकी संख्या दी है यहाँ पर कि मतलब कितने किलोमीटर तक वो लोग कैरी करती हैं, कुड अबाउट 2.5 सर्कल अराउंड द अर्थ। हमारे
अर्थ के जितना वो लोग सर्कल कर लेती हैं हमारे शरीर में। तो यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट दिया है जिसका मैंने फिल कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे फिल कर लीजिएगा। तो सबसे पहला देखिए जो है ब्लड पिगमेंट डैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी, वो ब्लड पिगमेंट कौन सा है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, वो है हीमोग्लोबिन, मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी। ब्लड सेल्स जो होती है वो दैट आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, वो कौन सी ब्लड सेल हैं जिनको हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, तो वो हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBCs और जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। द ब्लड सेल्स विच आर विदाउट न्यूक्लियस, वो ब्लड सेल्स जो बिना न्यूक्लियस के होती है वो होती है RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड ऑफ वेसल्स ऑफ बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। द ब्लड वेसल्स विच हैव वॉल्व, वो ब्लड वेसल्स जिसमें वॉल्व होता है, तो वो ब्लड वेसल्स कौन सी हैं, वेन है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, और अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और ये और लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।